हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गराड़ू बनाना बता रही हूं। सब्सक्राइब कीजिए घर संसार चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन पाने के लिए। ये गराड़ू है, इस तरह से मैंने इन्हें अच्छे से धोकर इस तरह सूखने के लिए रख दिया था। ये हल्के हल्के से ठंडे ठंडे हैं, बाकी सूख चुके हैं। इसके हम सबसे पहले इस तरह से थोड़े से मोटे पीसेस में से हम कट करेंगे। एक तरफ मैंने तेल गरम करने के लिए भी रख दिया है। पहले इस तरह से आप इसके पीसेस कट कर लीजिए। इस तरह से मैंने पीसेस कट कर लिए। उसके बाद आप हाथ में थोड़ा सा तेल ले लीजिए, इसे अच्छे से आगे पीछे अपने हाथों पे लगा लीजिए। इससे कि कई लोगों को खुजली होने के चांसेस रहते हैं, मुझे तो नहीं होती है, फिर भी मैं सेफ्टी के लिए तेल लगा लेती हूँ। इस तरह से मैंने तेल लगा लिया, बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगेगा। इसके बाद आपको इसका छीलनी से या फिर चाकू से किसी से भी आप निकाल सकते हैं। बस इस तरह से हमें इसका सारा छिलके उतार उतार के रखना है। जल्दी निकल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए, इस तरह से पूरा छिलका आप उतार दीजिए। मैंने इस तरह से सारे छिलके उतार के रख दिए। इसे अब मैं तलूंगी। मैंने तेल गरम करने के लिए रखा था, मेरा तेल गरम हो चुका है। मैंने गैस को थोड़ा सा कम कर दिया, तेल मेरा अच्छा गरम हो गया है। अब बस बड़े के बड़े पीसेस इस तरह से एक बार के तल दीजिए। मैंने आधे डाल दिए इसके अंदर। गैस को मैं तेज कर रही हूँ, एकदम हमें डार्क कलर नहीं लाना, इसका थोड़ा सा लाइट कलर लाके से हम तलेंगे, फिर सेकंड बार में से हम डार्क तलेंगे। इस गैस को आप तेज में रहने दीजिए। एकदम अच्छे से हो गए हैं, देख सकते हैं आप, इनका कलर भी चेंज हो गया है। इसे आप निकाल दीजिए। मैं दूसरी बार के तलने के लिए डाल रही हूँ इसके अंदर। जब तक मेरे वो ठंडे हो जाएंगे फिर मैं उन्हें कट करूंगी। थोड़े ठंडे हो गए, इस तरह से आप इसके पीसेट करें। एकदम ठंडा भी नहीं करना हमें, जितने बड़े आपको पीस चाहिए उस हिसाब से आप इसे कट कर सकते हैं। इस तरह से मैं पीसेस कट कर रही हूँ इसके, देख सकते हैं मैंने इस तरह से पीसेस कट कर रहे हैं। इन्हें मैं डबल से टर्न डाल रही हूँ जब तक कि मेरे ठंडे हो रहे हैं। इसे आप गैस तेज में करिए। मैंने गैस तेज कर दिया है। जितने हमने पहले काटे थे उसमें उसे आप एक बार में पूरा डाल दीजिए। मैंने पूरे डाल दिए। इस तरह से आप इसे हिलाते हुए ही बनाइए ताकि चारों तरफ से हमारा कलर इसमें एक जैसा आएगा। ये हो चुके हैं मेरे, मैंने गैस कम कर दिया है। इसे आप पूरा अच्छे से तेल को नितारते हुए इसे निकाल लीजिए। ये मेरे पूरे तल के रेडी हो चुके हैं। इसके अंदर ये मैं गराड़ू का मसाला डाल रही हूँ। मैंने पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, इसमें 2.5 चम्मच गराड़ू का मसाला डाला है। इसी के अंदर आप इसमें 1 नींबू का रस डाल रही हूँ। इस तरह से आप हाथ में लेके डालें ताकि जो इसके बीजे रहेंगे वो इस तरह से इसमें नहीं जाएंगे। मसाले के ऊपर एकदम अच्छे से हमारे चिपक भी जाएंगे, इसलिए मैंने मसाला हिलाने के पहले ही नींबू को निचोड़ दिया है। इस तरह से आप पूरा अच्छे से दोनों हाथों से इसे मिक्स कर लीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इसे गर्म गर्म में थोड़ा सा आप मिलाएंगे तो हमारा मसाला एकदम अच्छे से मिलेगा। देख सकते हैं मेरे गर्म गर्म ये गराड़ू मसाले वाले बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको इनकी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।